देखो दोबारा से मैं रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस पे ना उस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं। असर्शन क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और रीजन है स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट। सिक्स्थ जी को ज्वाइन कर लो। मैं मैं करती हूँ। कर ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई विल कॉल वन बाय वन, है ना? तो हमें आंसर करेंगे धीरे धीरे, ये चीजें ना आ जाएगी। तो सिक्स्थ ए में से जपन जोत, सिक्स्थ ए जपन जोत एब्सेंट है। सतपाल इज देयर सिक्स्थ ए? एब्सेंट मैम इन सिक्स्थ ई मैम चेंज हो गया। मैम है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निहारिका इज देयर? यस आ जाओ, आ जाओ, माइक के पास आ जाओ बेटा। यस बेटा, निहारिका टेल मी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मसल्स हमने बनाने हैं, तो क्या हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए कि प्रोटीन्स खाने चाहिए? निहारिका फॉल्स। फॉल्स है, वेरी गुड, दिस इज फॉल्स बिकॉज प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट। ट्रू की कोई और नहीं बताएगा बेटा, दिस इज निहारिका, ट्रू दिस इज ट्रू, वेरी गुड, दिस इज ट्रू। सो व्हेन असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, कौन सी ऑप्शन होती है बेटा? ए की, बी की, सी की, डी? इट इज डी ऑप्शन, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। सी में होता है असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, बी में है असर्शन ट्रू रीजन ट्रू, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, और ए में है दोनों ठीक है एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये चार ऑप्शंस आपको बहुत क्लियर होने चाहिए एवरीबडी। ठीक है, तो हम धीरे धीरे से ये काम करेंगे, बट फर्स्ट वी कम टू असाइनमेंट। मैं धीरे धीरे से असर्शन रीजन साथ साथ करवाती रहूंगी। सो लेट्स डू, टीचर्स प्लीज सी, सबके पास असाइनमेंट है आई होप? ठीक है बेटे, जिसके पास नहीं हो वो अपने साथ वाले से देख ले, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट करता चले। प्लीज सी एवरीबडी हैज असाइनमेंट और नॉट? ईच टेबल हैज एटलीस्ट वन असाइनमेंट, राइट? मैम ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एनीबडी कैन चेक कि सिक्स्थ जी अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ है? मैम ये देखना जरा कोई, एनी कोऑर्डिनेटर सी, सिक्स्थ जी ज्वाइन नहीं हुआ है? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, वाटर डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स येट इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। वाटर से हमें कोई वाइटामिन नहीं, कोई मिनरल नहीं, कोई हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स कुछ भी नहीं मिलता है वाटर से, बट स्टिल वाटर बहुत जरूरी है।
हम कहते हैं पानी पियो पानी पियो, दिन में 6 गिलास पानी पीना चाहिए, क्यों करना चाहिए? यस, सिक्स बी में बेटा देर इज जन्नत, सिक्स बी जन्नत इज देयर, यस जन्नत, कम क्विकली। आप मुझे बताते चलोगे मैं कि भी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ट्रू की फॉल्स? मैम 6D में वी पोज हो रही है। बेटा अभी ठीक हो जाती है, कोई बात नहीं, अभी इट विल कम, 1 मिनट मैं देखती हूँ जरा, लेट मी सी। होप इट्स ओके नाउ, राइट? अभी हो जाती है, ठीक है जी। सो सिक्स बी में स्टूडेंट थी, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यस और नो? इट हेल्प्स इन, बेटा ट्रू है ये, हाँ जोर से बोलो बेटा। सिक्स बी जन्नत, ट्रू। ट्रू सेकंड बोलिए, प्रोवाइड्स बैलेंस डाइट टू द सेल्स, फॉल्स। फॉल्स। हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ट्रू। हेल्प्स इन मेंटेनिंग अवर बॉडी टेम्परेचर, सिक्स सी ट्रू की फॉल्स? मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल कौन से बे, किसमें बेटा? सिक्स ए में क्लियर मैम से। मैम नहीं है कि आई नहीं क्लियर नहीं है। बेटा? होनी, किस किस में क्लियर नहीं है मेरी आवाज? हाथ खड़ा करो, भी मैं पोज हो रही है। बेटा सिक्स ई को मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम बीच बीच में ब्रेक हो रही है। मैम बेटा पता, थोड़ी सी पीछे से शायद प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज इट्स ओके, है ना? अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी, हैंड्स डाउन कर लो, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, हो जाएगी। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8, देखो वाटर का क्या फंक्शन है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो हम फूड खाते हैं उसको हमारी बॉडी में लेके जाता है, हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट वेस्ट, जितना यूरिन, जितना हम पानी ज्यादा पीते हैं उतना यूरिन ज्यादा आता है, यूरिन में बहुत ज्यादा वेस्ट क्लियर होते हैं, एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग अवर बॉडी टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो, सो विच आर करेक्ट? वन टू, इट पार्ट इज सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू नो व्हाट इज रफेज? सिक्स एफ, सिक्स एफ, डू यू नो व्हाट इज रफेज? M6C9 क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट बेटा, रफेज हम बता दें, ये देखिए, अब हम, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, अब देखना जरा, बोलो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मैम। तो व्हाट आर दीज, जो हम कच्ची सब्जियां खाते हैं,
जो हम कच्चा फ्रूट खाते हैं, सीरियल्स है, दलिया है, दालें है ना। फिर जितने बेटे आराम से बैठो, सिट प्रॉपरली। तो जितने ये फ्रूट्स है जो हम कच्ची चीजें खाते हैं, उसमें से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? जूसेस मिलते हैं और साथ में बहुत सारा फाइबर मिलता है। ठीक है, अगर हम जूस निकाल लें तो क्या होता है? फाइबर तो पीछे रह जाते हैं, सिर्फ फ्लूइड फ्लूइड रह जाता है। यस और नो? यस और नो? जब हम जूस पीते हैं तो आपने देखा है, जैसे गन्ने का जूस पिया तो सारा फाइबर पीछे रह गया। ऑल्दो गन्ने का तो हम फाइबर खा भी नहीं सकते। आपने ऑरेंज का जूस पिया तो फाइबर पीछे रह गया, हमने सिर्फ फ्लूइड लिया, राइट? तो जो रफेज है, रफेज जो है वो पीछे रह गया। फाइबर क्या है या रफेज क्या है? वो फाइबर है। ठीक है, तो विच इज बेटर? हमें फाइबर क्यों खाना चाहिए, हमें रफेज क्यों खाना चाहिए? यस कॉन्स्टिपेशन। yes. मैं अभी बताती हूँ। रफेज, रफेज क्या है बेटा? अगर आप, ये आपका स्टमक है, अगर आप जूस पीते हो तो जूस सिर्फ यहां पे रहा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स तो हमें मिल गए जूस से, पर ये है जूस ओनली। और दूसरा, हमने सॉलिड फूड खाया, स्टमक को, जो स्टमक आप ये सोचो एक बॉक्स है, उसको किसने फिल किया? जूस ने फिल किया कि पूरे सॉलिड फूड ने फिल किया? एक बॉक्स है, लेट एक बॉक्स है, उसमें दो बॉक्सेस है, एक में जूस डाला और एक में रफे, मतलब पूरे वो जितने 6 ऑरेंजेस डाल दिए, और एक बॉक्स है जिसमें 6 ऑरेंजेस का जूस डाल दिया। कौन सा भर जाएगा, जूस वाला कि ऑरेंजेस वाला? ऑरेंजेस वाला बॉक्स पूरा भर जाएगा और जो जूस वाला है वो इतना सही रहा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा स्टमक भी जो है एक बॉक्स की तरह से है, जो रफेज से सॉलिड से भरता है। ये है रफेज। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है? एक मिनट बेटा, एक सेकेंड। आज क्यों नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आवाज क्लियर आ रही। लेट मी हमें ना, भी क्लियर नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक। आप बोलो, आप क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? हेलो, बेटा अभी देखते हैं आवाज क्यों नहीं क्लियर है। तो आप रफेज का जो है, रफेज क्या करता है? फाइबर है रफेज। रफेज इनको ना आवाज नहीं क्लियर आ रही, और अगर मैं ये लगा रही हूं तो इससे आवाज जाती नहीं है। मैंने किया सेम ऐसे सिस्टम करके। हेलो, बोलो। हेलो, जाती है बट इनको क्लियर नहीं है। करके पर नेटवर्क स्लो आ रहा है। बेटे वहां से थोड़ा सा स्पीकर से तेज करो आवाज, हेलो,
मैम यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलो फिर, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है ना आपको आवाज मेरी, कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगा। हेलो रही अब। चलो थोड़ा थोड़ा गुजारा चल रहा है बेटा कि नहीं? हमारा आ रही है अब? चलिए तो अब रफेज क्या है, हम जल्दी से करें, टाइम ना खराब करें। रफेज जो है वो हमारा स्टमक फिल करता है बेटा, हम 4-5 गिलास जूस पी जाएं तो थोड़े टाइम बाद हमें फिर भूख लगाती है, बट अगर हम 5-6 ऑरेंजेस खा लें तो हमें एक स्टमक फिल की फीलिंग आती है कि हमारा पेट भर गया है। दूसरा, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। तीसरा, ये जर्म्स को अपने साथ लपेट लेता है, ठीक है, जर्म फ्री करता है, ये जितने जर्म्स है उसको अपने साथ बांध लेता है, राइट। दिस इज द फंक्शन ऑफ रफेज। सो विच इज बेटर, रफेज की ग्लास ऑफ जूस, सॉरी, और फुल ऑरेंज की ग्लास ऑफ जूस? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक मिनट, एक मिनट। सो वी नीड टू हैव, तभी हम क्या कहते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, हमें व्हाट शुड वी डू, हमें जूस की जगह फुल फ्रूट्स लेने चाहिए। इज इट राइट और नॉट? यस, ठीक है। तो अब चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9th, रफेज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, इज नॉट क्लियर हमारी, मेरी फोटो क्लियर नहीं। मैम आपकी फोटो ब्लर आ रही है और वॉइस नहीं आ रही अच्छी तरह। किसी भी क्लास में अच्छा, थोड़ी सी हम बात करते, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे से, आज मुझे लगता है नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है आपके साइड से, बट इट विल बी ओके। थोड़ा सा रफेज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, यस कि नो? इट ट्रैप्स माइक्रोब्स, यस और नो? इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द एलिमेंट्री कैनाल, यस और नो? यस। सो क्वेश्चन नंबर 9th, इट इज डी। क्वेश्चन नंबर 9th, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10th, फ्रॉम विच फूड्स डू वी गेट रफेज? यस, 6C, एनीबडी फ्रॉम 6C? मैम ए पर 6E नहीं, 6C। मैम ऑल द अबव। फ्रॉम विच फूड्स डू वी गेट रफेज? ऑल द अबव, बिल्कुल ठीक है, ये आपको सबको पता है। What will be absent in our gut if we take juices and milk only? 6F. Yes, what will be the answer? 6F. एक बच्चे का हाथ खड़ा है बेटा, जल्दी से बोलो, फर्स्ट बेंच पे। हाँ मैम, 6C, रफेज। मैम रफेज। वेरी गुड, इट इज रफेज। बैठो बेटा। रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, 6D, 6D, डेल्टा वाला, दिल्ली वाला डी। हाँ आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, मैम ए पार्ट 6 से नहीं बेटा, इट्स नॉट ए, इट्स मैम 6 सी, मैम सी पार्ट, मैम 6 थे सी पार्ट। इट इज हनी बेटा, हनी, हनी इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। एक हनी होता है बेटा, एक कर्ड होती है, याद रखो, कर्ड एंड हनी, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन B12।
मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. बेटा ये फिगर ना क्वेश्चन नंबर 6 की है ना, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की आगे 6F. ध्यान से बच्चे, मिल्क कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन शुगर्स एंड विटामिंस, ठीक है कि गलत है बेटा? दिस इज करेक्ट कि रॉन्ग? नहीं बेटा, मिल्क कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, शुगर भी होती है, लैक्टोज शुगर होती है इसमें, और इसमें विटामिन डी भी होता है, तो ये भी ठीक है. चले आगे भी देखें. पल्सेस आर विच सोर्स ऑफ शुगर्स? पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के सोर्सेस है. पॉलिश्ड सीरियल्स एंड पल्सेस आर बेस्ट फॉर हेल्थ, ट्रू की फॉल्स? पॉलिश्ड पल्सेस आर नॉट गुड, क्योंकि जब पॉलिश हो गई तो केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, वो तो फिर खत्म हो गया. दे आर नॉट गुड, ऑल्दो हम खाते वही हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? हनी इज ऑफ नो यूज टू हनी बीज, हनी बीज को हनी का कोई यूज नहीं, क्योंकि जो हनी बीज की क्वीन होती है, इट फीड्स ऑन हनी ओनली. सो कौन सी ऑप्शन ठीक है? ए, अंबाला वाला ए. मिल्क हैज बॉय 6F, इधर बेटा, एवरीबडी स्टूडेंट्स इधर, बाकी किसी जगह नहीं. क्वेश्चन आ जाता है बेटा, सी फूड स्पेशली सी वीड्स आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? इट इज बिल्कुल ठीक है, 14th का सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लगाओ 2 मिनट लगाओ इस पे, करो ये फटाफट. 6F बेटा, बॉयज बेटा अपनी सीट पे बैठो, क्या कर रहे हो? बेटा ये आपको दिख रहा है? ये वाली दिख रही है? अभी एक बच्चा है जिसका पेट मोटा सा है, कैन यू सी इट? हाँ जी, ये देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा आपको डेफिशिएंसी का बता दूं. आप क्या इसका देख रहे हो कि इसका पेट कितना मोटा है, इसके रिब्स नजर आ रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है, इसके स्किन पे स्कार्स है, इरिटेबिलिटी है ना इसमें, तो इसमें ये व्हाट इज द डिजीज? दिस इज क्वाशियोरकर, जिसका दिस इज कॉल्ड एज पॉट बेली. क्या बोलते हैं इस पेट को? पॉट बेली. और देखो आगे रिब्स, स्किन बहुत जल गई है, देखो कितनी जली पड़ी है. दिस इज क्वाशियोरकर, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, राइट? ये देखिए बेटा, एक रात को एक नॉर्मल पर्सन है, उसको ये रेगुलर विजन क्लियर नजर आ रहा है, लाइटें नजर आ रही है. और एक नाइट ब्लाइंड, दिन में तो ठीक दिखता है बट रात में उसको ऐसा सा दिख रहा है. कैन यू सी द डिफरेंस? दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. रेगुलर विजन है ये इंसान, सफिशिएंट विटामिन ए है इसमें, और जिसमें विटामिन ए नहीं उसको द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, और उसको सेम सीन ऐसा नजर आएगा. इज इट ओके? नेक्स्ट है बेरी बेरी. बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? बेरी बेरी डिजीज होता है विटामिन बी वन. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बी वन, बी टू, बी थ्री, बी ट्वेल्व बहुत सारे विटामिन्स है, तो बेरी बेरी विटामिन बी वन के कारण होता है. और इसके कारण अगर ये डिजीज हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता, कंफ्यूजन रहते हैं, हार्ट जो है वो उसकी पल्सेशंस बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, वीकनेस हो जाती है,
सो दिस इज वेरी वेरी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन. ओके उसके बाद एक आ जाता है पिलेग्रा. कैन यू सी दिस इमेज? पिलेग्रा की इमेज नजर आ रही है. पिलेग्रा में आप देख रहे हो हर जगह स्किन की इंफेक्शन है. यस और नो? ठीक है. हाथ उसके जीभ पे भी छाले पड़े हुए हैं, मुंह पे भी सोर्स है, गर्दन में भी स्किन इंफेक्शन है. एंड पिलेग्रा इट इज ड्यू टू विटामिन बी थ्री डेफिशिएंसी. विटामिन बी वन से बेरी बेरी मेंटल कंफ्यूजन, हार्ट फेलियर. विटामिन बी थ्री से पिलेग्रा स्किन इंफेक्शन, राइट? उसके बाद विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी. आई एम सॉरी, दिस इज स्कर्वी. स्कर्वी में मेन क्या है? ये आपको दांतों में क्या नजर आ रहा है? ब्लड नजर आ रहा है कि नहीं? ब्लीडिंग इन गम्स, पुअर गम्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग इन टीथ या गम्स, ये मेन डेफिशिएंसी है स्कर्वी की. ये मेन सिम्टम है स्कर्वी का, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है. उसके बाद ये आपको टेढ़ी टांगे नजर आ रही है. यहाँ पे बोन्स टेढ़ी हो जाती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट्स. ओके अब यहाँ पे देखो हमारे गले में कौन सी ग्लैंड है, ये देख रहे हो आप? नीचे देखो, ये जो कर्सर नजर आ रहा है आपका, ये देखो, ये है थायराइड ग्लैंड, हमारे गले में होती है. और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो राइट साइड में अगर देखो तो ये थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, स्वोलन हो जाती है. दिस इज कॉल्ड एज गोइटर. और यहाँ ऊपर वाली इमेज में देखो कि यहाँ पे गर्दन पे कितनी ज्यादा स्वेलिंग है. आगे गिल्लड़, इसको हम कहते हैं गोइटर, गिल्लड़ कहते हैं इसको. ये बन जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से. इज इट ओके? थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? हमारी नेक में है थायराइड ग्लैंड. ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से, जो हमें सी फूड से मिलता है, नमक से मिलता है आयोडीन, उसकी डेफिशिएंसी से थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है. देन नेक्स्ट इज एनीमिया. एनीमिया में आप देख रहे हो ये नॉर्मल रेड हैंड्स है, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स है. और दूसरा एनीमिया, एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है, आप देख रहे हो, तो हमारे हाथ पीले पीले से हो जाते हैं, हमारी बॉडी, हमारी आंखें पीली पीली सी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. किसकी वजह से? आयरन की वजह से. तो आयरन किसके लिए चाहिए? रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए. और जब आयरन नहीं, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो वीकनेस हो जाएगी, लिथार्जीनेस है, चला नहीं जाएगा. यस बॉयज जल्दी से बैठो फटाफट. ठीक है, दिस इज एनीमिया. सुस्ती आती रहेगी, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है हमारी बॉडी में, राइट? सो ये जल्दी से, दिस इज एनीमिया, दिस इज गोइटर, गिल्लड़ जिसको बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. This is rickets, deficiency of vitamin D. This is, this one is scurvy, deficiency. Vitamin C. This is pellagra, pellagra, deficiency of vitamin. Vitamin. कौन सी vitamin? B3. बेटा किसी की मेरी आवाज वो करिए, किसी का माइक है ना, वो स्पीकर के साथ है, वो देखो जरा, वो दूर करो. दिस इज बेरी बेरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन. दिस इज नाइट ब्लाइंडनेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. बिल्कुल ठीक है. दिस इज बिल्कुल ठीक है, दैट्स वेरी गुड. चलिए
नाउ स्टार्ट डूइंग द असाइनमेंट फटाफट से. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15. जल्दी से 15 से करना शुरू करो. कर लो मैम ने बोला पहले जल्दी से आप कर लो फिर आंसर देना. पहले मत बोले लगना पहले जल्दी से कम कंप्लीट करो. सिक्स थी बॉयज बेटा कर लो फटाफट से. सिक्स थे ऑप्शन ए. सिक्स ई जल्दी से कर लो. सारे कर लिए. यस 30 तक कर लिए आपने. जल्दी से कीजिए जल्दी से. 5 मिनट्स यू हैव. 29 तक कर लो 29 तक कर लो फटाफट. लाइट चली गई है. अभी चल रहा है. अब जिस जिसको बेटा मैं बुलाई चलूंगी वो आएंगे है ना. सिक्स्थ ए दिशा आ जाओ बेटा माइक के पास आ जाओ. अपने असाइनमेंट साथ लाना है ना. फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो. मैम ए पार्ट हमने बताना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट. बेटा ये तो ठीक है. एम इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन. तो ये कौन सा हो गया विटामिन डी हो गया. और ये कब बनता है व्हेन स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट. ये तो ठीक हो गया. चलिए मैम सी पार्ट. सी है कॉड लिवर ऑयल इज ए गुड सोर्स ऑफ बोथ एल एंड ओ. देखें क्या है. L helps to maintain strong eyesight and healthy skin means vitamin A. O is needed for natural clotting of blood. This is right. It is C is incorrect. Cod liver oil is a good source of only L. O का नहीं क्योंकि O क्या है vitamin K है और vitamin K हमें food में से नहीं मिलता. Vitamin K हमारी body में खुद ही बनता है. So answer is C. ठीक है बैठो बेटा.
हाँ जी नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सिक्स सी एकलव्य, सिक्स सी में से एकलव्य है एकलव्य बेटा, आ जा बेटा क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन बात कौन कौन सा आंसर आ जाएगा? जाएगा ये तो बेटा किसी ने बता दिया आपको, फ्रेंड्स ने बता दिया आपको, है ना? आंसर तो चलो बी ही है, बट बेटा कोई बताया मत करो, लेट द स्टूडेंट टेल। बैठो बेटा, कि बोजोज मदर ने कहा कि कटिंग और छीलने, किसी भी सब्जी को छील के और काट कर नहीं धोना चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत सारे विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन वाटर के साथ वॉश ऑफ हो जाते हैं, खो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ डी, हरमनदीप या हरमन सिंह, सॉरी नॉट दीप है, हरमन सिंह। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए पर्सन डाइट है सफिशियंट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स है, बट टेक लेस फ्लूइड्स इफ ही कंटिन्यू दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन क्या होगा? कौन सा आंसर आएगा बेटा? जोर से, सी लेस प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड यूरिन। बिल्कुल ठीक है बेटा, लेस प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड यूरिन, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं बता रही हूं। क्वेश्चन नंबर 17, सी ऑप्शन ठीक है, और साथ में इसके लिख लो, एंड दिस कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, एंड दिस विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन, अगर हमारी बॉडी में यूरिन कम होगा, स्वेट कम आएगा, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ ई, अंश कटारिया, मैम आंशेस दिया, यस आ जा बेटा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, आयरन से एनीमिया, कैल्शियम से रिकेट्स, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर, सोडियम की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी, कौन सा इनकरेक्ट मैच है बेटा? कौन डी पार्ट सा? एम डी पार्ट डेल्टा, सोडियम से बेरी बेरी, ये गलत है। फिर मुझे बताओ बेरी बेरी किससे होता है अंश बेटा, किसकी डेफिशिएंसी से है बेरी बेरी? यस देयर इज वन हैंड, मिडल रो, 60। हाँ विटामिन बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, सोडियम की डेफिशिएंसी से नहीं। ठीक है बेटा, आपने कुछ स्टूडेंट्स को बीटा भी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स होता है मैम, आपने तो विटामिन डी बताया था बेटा, कैल्शियम और विटामिन डी का रोल एक जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सिक्स एफ लक्षिता, सिक्स एफ लक्षिता, आ जा बेटा जल्दी से। ए चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ए डेफिशिएंसी डिजीज, ही शोज द फॉलोइंग सिम्टम्स, पॉट बेली, डायरिया, किसकी डेफिशिएंसी से है ये बेटा? जोर से बोलो बेटा। डायरिया नहीं, बेटा डायरिया नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या है कि ये सिम्टम्स है, ये लक्षण नजर आ रहे हैं कि उसकी पॉट बेली है, उसको डायरिया भी हो रहा है, लूज मोशंस हो रही है बच्चे को, उसके स्किन पे पैचेस भी है, इरिटेशन भी हो रही है, तो उसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है बेटा? पॉट बेली कौन से डिजीज था उसको बोलने दो बेटा, इसको बोलने दो, पॉट बेली कौन सा डिजीज था? ये देख बेटा स्क्रीन पे देखना जरा, देख रहे हो, दिस इज पॉट बेली है ना, पैचेस ऑन स्किन आपको नजर आ रहे हैं, जगह जगह पैचेस है, कैन यू सी दिस?
अब मुझे बताओ इफिशिएंसी है ये बेटा बिल्कुल ठीक है बैठो बेटा सीट पे बैठो माइक ऑफ करो सर सो दिस इज द डेफिशिएंसी डिजीज क्वाशियोरकर स्पेलिंग बता दूं मैं जरा क्वाशियोरकर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन क्वेश्चन नंबर 20 हाँ जी सिक्स जी भी मेरे ख्याल से सिक्स एफ के साथ बैठी है यस और नो सिक्स जी पारुल पारुल है आजा बेटा असाइनमेंट के साथ आना माइक ऑन कर लो और फिर बोलो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आएगा पिलेग्रा विटामिन बी थ्री के कारण सोर्सेस क्या है विटामिन बी थ्री के किस खाने से मिलता है जोर से बोलना है बेटा अगर बोल रहे हो तो हाँ बोलो बोलो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ऑल दो माइक ऑन है आपका चलो आई कांट हियर यू पर चलो बैठो मैं बता देती हूँ इट इज फिश ब्राउन राइस कैरेट्स पपाया फिश ब्राउन राइस कैरेट पपाया उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड सिक्स ए बताएंगे बेटा सभी बताओ जरा नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से है विटामिन ए विटामिन ए वेरी गुड सिक्स बी बताएंगे नेक्स्ट सनलाइट से कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी से कौन सा डिजीज है रिकेट्स रिकेट्स वेरी गुड और विटामिन सी से सिक्स सी सिक्स सी बताएगी सिक्स सी हाँ जी सर्वी सर्वी वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 21 द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज हाँ जी सिक्स ई में से ओजस्वी सिक्स ई ओजस्वी आ जा बेटा हाँ जी बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस आंसर बताओ मैम डी पार्ट डी है जी टू एंड थ्री दे आर कंटेजियस बेटा दे आर कंटेजियस अगर मुझे स्कर्वी है तो आपको अगर आप मुझे छू लेते हो मेरे से शेक हैंड करते हो तो आपको स्कर्वी हो जाएगी कंटेजियस नहीं है ये तो मैं खाना नहीं खा रही तो मुझे प्रॉब्लम है तुम तो खाना जा खा रहे हो प्रॉपर तो दीज आर नॉट कंटेजियस दे कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट ये ठीक है ठीक है तो एक मिनट मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कौन से ट्रू नहीं है दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स ये ट्रू नहीं है पेरेंट्स से बच्चों में नहीं आते हैं दे आर कंटेजियस ये भी ट्रू नहीं है दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस ये भी ट्रू नहीं है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है ओजस्वी ओके मैम ऑप्शन सी कौन से ठीक नहीं है सिर्फ थर्ड ठीक है बाकी तीनों गलत है चलिए जी सिक्स्थ बी सिक्स्थ बी में से आ जाइए बेटा भारत सिंह सिक्स बी भारत सिंह बेटा अपने असाइनमेंट साथ में लेके आओ डैश इज अ डिजीज इन विच बॉडी सेल्स डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन बेटा किस डिजीज में बॉडी के सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती ऑक्सीजन नहीं मिलता भारत
स्कर्वी। स्कर्वी में तो बेटा लिथार्जिनस किस में है? एनीमिया। सिक्स बी में से पहले मैंने पूछा था शायद, है हाँ ना भारत? हाँ जी भारत, आंसर दो बेटा। हाँ जी सिक्स बी में से, एनीबडी एल्स? हाँ बोलो। एनीमिया। एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। भारत बैठो बेटा, लिख लो कॉपी में, भारत ऐसे ही नहीं चले जाना है। तो आंसर इज एनीमिया, जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है, हमारी बॉडी में लिथार्जीनेस है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। द सेलेक्ट इनकरेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बतानी है हमने, ठीक है? एक मिनट बेटा, बी का सिक्स सी ने बताया रॉ वेजिटेबल्स आर रिच इन रफेज, ये तो ठीक है बेटा। अच्छा डी बताया आपने, एनीमिया। यस डी, दिल्ली वाला आंसर ठीक है बेटा। डी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। दैट इज ओवर ईटिंग मेक्स द बॉडी मोर स्ट्रॉन्ग, ये तो गलत है ना, ओवर ईटिंग तो ठीक नहीं है। नेक्स्ट है रीजन असर्शन, ध्यान से सुनने हैं बेटा। अब ये यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन फूड इज असेंशियल पार्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर आयोडीन नहीं होगा, ध्यान से देखना है, एवरीबॉडी कंसंट्रेट ऑन योर असाइनमेंट्स, आयोडाइज्ड सॉल्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी है। आयोडीन हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज असेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट इज ए, दोनों करेक्ट है एंड आर एक्सप्लेन्स असर्शन। तो आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज गुड टू ऐड लेमन इन बॉइलिंग वाटर एंड देन ड्रिंक इट, इज इट ट्रू की फॉल्स? इट इज फॉल्स, क्योंकि बॉइल में विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यस सिक्स ई सेकंड बेंच, एक लड़के का हाथ खड़ा है बेटा, माइक पे आ जाओ जल्दी से, आ जा आ जा आ जा जल्दी से। हाँ जी असाइनमेंट लेके, क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन गलत है, रीजन बताओ ठीक है कि गलत है ठीक बेटा। सोक्ड नहीं, हम सोक्ड नहीं, डिस्ट्रॉयड होता तो ठीक होता, सोक्ड वाला गलत है, ठीक है? ओके इट इज गुड टू ऐड लेमन इन, चलो सोक्ड भी कह लो, एक ही बात है, तो दिस इज ट्रू। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चे? असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ए बी सी डी, कौन सा है? डी, मंडी बिल्कुल डी है, मंडी डोंकी वाला डी। डोंकी। बैठ बच्चे बैठ, सीट पे बैठो, कुछ पूछना है आपने? नो। चलिए जी, पीपल लिविंग इन कोल्ड एंड क्लाउडी क्लाइमेट जनरली सफर फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, ट्रू की फॉल्स? ट्रू क्योंकि अगर क्लाउडी रहेगा तो सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सनलाइट नहीं मिलेगी, विटामिन डी नहीं बनेगा, राइट? तो दिस इज ट्रू। टूथ डिके इज ए कॉमन इन पीपल सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, ट्रू की फॉल्स? ट्रू ट्रू, बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें ठीक है, ठीक है, बट दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। बीटा, बात बॉम्बे वाला बी। रफेज मेंटेन्स गुड हेल्थ डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रू की फॉल्स? ट्रू ट्रू क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, मोशन ठीक ठाक आती रहती है, तो ट्रू है। रफेज हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लशिंग ऑफ वाटर्स, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स फॉल्स है बेटा, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है,
न्यूट्रिएंट्स तो ब्लड में चले गए, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स? सी, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सिक्स्थ डी वाले बताएंगे बेटा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। आयरन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, ट्रू की फॉल्स? सिक्स सी वाले माइक ऑफ करो, सिक्स डी जो ट्रू कहते हैं, ट्रू ट्रू बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ आयरन कॉजेज बेरी बेरी, ट्रू की फॉल्स? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी कौन सा? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आप इंटेलिजेंट हो गए हो, रीजन असर्शन के क्वेश्चंस नॉर्मली बच्चे नहीं कर पाते, बट यू हैव बिकम इंटेलिजेंट, वेरी गुड। चलिए जी, कॉम्प्रिहेंशन। आयरा की मदर जो है वो वीक हो गई है, उसे सांस चढ़ने लग पड़ा है, उसे लिथार्जीनेस हो गई है, ठीक है? तो कौन बताएगा? सिक्स एफ में से कोई बताएगा? आपका माइक वर्किंग है बेटा? देखो जरा माइक ऑन करो, बोलो हेलो। सिक्स एफ जो है, सिक्स एफ अब मुझे बताएंगे कि डॉक्टर क्या सस्पेक्ट कर रहा है बेटा? जेसिका, जेसिका से तो हमने पूछ लिया था शायद। गुरसीरत, गुरसीरत इज देयर? मैम यस। गुरसीरत बताओ, गुरसीरत जो आयरा है उसकी मदर को कौन सा डिजीज हो गया है? बच्चे थकी हुई रहती है उसकी मम्मा, काम करने का दिल नहीं करता, क्या कौन सा डिजीज? एनीमिया, विटामिन, कौन सा बेटा? मैम विटामिन। नहीं नहीं कौन सा डिजीज हो गया उसको? मैं वेरी वेरी, अरे बेटा थकी हुई है, लिथार्जीनेस है, एनीमिया। एनीमिया बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। देखो सिक्स्थ डी ने बताया एनीमिया, बैठो बेटा आप, इट इज एनीमिया। सिक्स्थ जी में से आ जाओ। बस हम खत्म कर रहे हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन। What changes in diet are preferred? बेटा माइक ऑफ करो जरा। कौन सा डाइट उसको? आयरन रिच डाइट सच एज सीरियल्स, फ्रूट्स। बेटा एक मिनट रुक जाओ, सिक्स थे, एक मिनट बेटा, एक मिनट असाइनमेंट, अभी दो मिनट रख लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ जरा, बस हम खत्म करने वाले हैं। तो सीरियल्स खाए, एग्स खाएं, मीट खाएं, जिससे आयरन पूरी हो जाए। एंड व्हाट मिनरल इज डेफिशिएंट इन द डाइट? आयरन इज, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, कल हम करेंगे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। समझ के आना, थोड़ा सा पढ़ के आना, और इसका मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगी बेटा आपका क्लास में, 40 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है? ओके बाय। Bye bye, man.